नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडोगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर है तो उन शेयरों पर आपकी अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए और आपके तमाम सवालों के जवाब हमारे जो है जानकार जुड़ेंगे वो देंगे। तो अगले आधे घंटे में हम किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, देखिए लगातार दूसरा दिन था जब हमने देखा कि भारतीय बाजारों में थोड़ा दबाव देखने को मिला। हालांकि इस गिरावट में भी आप देखेंगे कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हमने देखा कुछ सेक्टर्स में लगातार दबाव देखने को मिला, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दर्शकों के सवाल जवाब देंगे, बताएंगे हमारे जानकार कि उनके शेयरों पर उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे जानकार ही आपको बाजार में कमाई का VIP सेगमेंट बताएंगे जिसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो निवेश के लिहाज से बेहतर है और दो जानकार हमारे साथ इन्फैक्ट थोड़ी देर में जुड़ भी जाएंगे। रत्नेश गोयल होंगे अरिहंत कैपिटल से और रवि सिंह होंगे शेयर इंडिया से। इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे शेयरों पे क्या करनी चाहिए और VIP स्टॉक्स कौन से हैं। आप चाहें तो अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं, सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है, आपको व्हाट्सअप करना है, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आपके पास कितने शेयर हैं, किस भाव पे, आपने कहां से आप कहां से भेज रहे हैं ये सवाल, अपनी लोकेशन, अपना नाम, सब कुछ डिटेल लिखिए, उसके बाद हमारे जानकार आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर फेसबुक पर जाइए, ET9 को फॉलो कीजिए, फिर KKT लिखिए, स्पेस दीजिए, फिर अपना सवाल लिखिए, आप सवाल लिखिए आप हमें भेज सकते हैं। तो इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी और अगले आधे घंटे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार में आगे की रणनीति क्यों, क्योंकि आज हमने देखा कि बाजार के लिए 17,700 का एक स्तर था जो बेहद जो है रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता हुआ दिखा, एक समय इसके ऊपर जाता हुआ दिखा बाजार, लेकिन वहां से हमने देखा फिर गिरावट देखने को मिली, फिर वो 17,700 के स्तर को पार नहीं कर सका। अगर ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से देखेंगे तो हमने देखा कि यहीं सबसे ज्यादा OI बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। आज 17,766 का हाई था, हालांकि 17,610 का लो बनाया, वहां से थोड़ा बाजार जो है करीब निचले स्तर से कर सकते हैं 50 पॉइंट की रिकवरी दिखाने में कामयाब हुआ, फिर भी करीब 46 अंकों की गिरावट के साथ ही बंद हुआ। बैंक निफ्टी देखिए, कल भी हमने देखा था निफ्टी के उलट बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती देखने को मिली थी, आज भी हमने देखा कि बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली, आज भी देखिए आज के ट्रेड में भी हमने देखा कि सरकारी बैंकों में एक अच्छी खरीदारी का रुझान जो है लगातार बना हुआ है। निफ्टी के लूजर स्टॉक्स की बात करें आज के ट्रेड में तो पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स थे जो निफ्टी में आज दबाव बनाते हुए दिख रहे थे। हम इन सब स्टॉक्स में देखा 2 से 1-2% की गिरावट देखने को मिली थी। इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेज, अपोलो टायर, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। रिलायंस ने भी आज थोड़ा बाजार के मूड को गिरा, थोड़ा खराब के 1% के वहां दबाव देखने को मिला। निफ्टी स्टॉक्स की बात की जाए, फार्मा स्टॉक्स का दिन था, हमने देखा फार्मा स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिली और IT स्टॉक्स में आज वापस से कल के भारी गिरावट के बाद हमने देखा खरीदारी देखने को मिली। डिवीज लैब ने लीड किया निफ्टी 50 के इंडेक्स की अगर बात करें तो। इसके अलावा IT में देखिए सेलटेक में अच्छी खरीदारी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे तो यही बार बार बात निकल के सामने आई थी कि IT में इतना भी खराब दौर नहीं है और आज हमने एक पुलबैक रैली होते हुए देखी। इसके अलावा नेस्ले, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को आज के ट्रेड में देखने को मिली, जहां थोड़ी मजबूती देखने को मिली। अगर बैंकिंग स्टॉक्स की बात की जाए तो आज का दिन एक बार फिर से बैंकिंग में वो भी सरकारी बैंकों के नाम रहा, SBI, PNB जैसे स्टॉक्स थे सरकारी बैंक जहां खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा RBL बैंक, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां पे मजबूती थी। अगर प्राइवेट बैंकों की बात करें तो एक्सिस बैंक में वापस से हमने थोड़ा दबाव देखा, कल हमने देखा था HDFC बैंक में नतीजों के बाद दबाव देखने को मिला था, आज भी HDFC बैंक में दबाव देखने को मिला। ICICI बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां प्राइवेट बैंक देखे कमों में साज गिरते हुए दिखे। इसके बावजूद अच्छी बात रही कि बैंक निफ्टी जो है फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होने में कामयाब हुआ। अगर इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स में आज कमोबेश एक अच्छा ट्रेंड ये देखने को मिला कि निफ्टी IT इंडेक्स में मजबूती थी, ये गिरने वाला इंडेक्स है। निफ्टी, FMCG, फाइनेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स हैं, छोटे मोटे इंडेक्स हैं जहां दबाव देखने को मिला, लेकिन निफ्टी IT इंडेक्स देखिए कल हमने देखा था भारी गिरावट थी, आज मजबूती बनती हुई देखिए। मेटल में खरीदारी थी, फार्मा ने आज परफॉर्म किया बाजार को, सबसे अच्छी मजबूती देखने को मिली। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी अच्छी मजबूती आज के ट्रेंड में देखने को मिला। तो कमोबेश कह सकते हैं कि बाजार का मूड बहुत खराब नहीं था, गिरावट थी पर बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। ऊपरी स्तर से अगर देखेंगे तो गिरावट जो निश्चित रूप से बाजार में देखने को मिलेगा आज के ट्रेड में। कई सारे स्टॉक्स थे जो इस गिरते हुए बाजार में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, खासतौर पर देखिए कि अगर आज के हीरो स्टॉक्स की बात करें, मिर्जा इंटरनेशनल, यस बैंक में हमने देखा काफी दिनों के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। मिर्जा इंटरनेशनल देख लिया स्टॉक्स अच्छी मजबूती, शोभा लिमिटेड, JBM ऑटो जैसे स्टॉक्स थे जहां आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे थे। तो ऑटो इन सारे स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में खरीदारी देखने के लिए ल्यूपिन में अच्छी मजबूती, रेप्रो इंडिया, पकड़ना, JBM मोटर जैसे स्टॉक्स मजबूती दिखाए थे। इसके अलावा थिरुमलाई केमिकल्स जैसे स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। तो कम ग्रेफाइन इंडिया में खरीदारी थी। तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक
स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी बात है कि खरीदारी का रुझान लगातार बना हुआ है और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भले ही निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा हो लेकिन एक ट्रेंड देखिएगा सीधे तौर पर तो मिड कैप छोटे मझोले स्टॉक्स जो हैं उसमें खरीदारी देखने को मिली और अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली और तमाम शेयर अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। ओवरऑल एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर 52 वीक हाई स्टॉक्स की बात की जाए ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो लगातार एक नई ऊंचाई पर चल रहे हैं, एक साल के ऊपर स्तर पर कारोबार करें, इसमें भी आप देखिए अधिकांश मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ही आपको दिखेंगे। एपटेक, कैमलिन फाइन, साइंट, ग्लेनमार्क फार्मा जैसे स्टॉक्स थे जहां आज के ट्रेड में हमने मजबूती बनते हुए देखी। इंडियन बैंक, सोम डिस्टिलरीज, जाइडस लाइफ, महानगर गैस जैसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने देखा एक साल का ऊपरी स्तर देखने को मिला। तो ये इसमें भी आप देखिए मैक्सिमम छोटे मझोले स्टॉक्स ही हैं जो एक साल की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार में ये सोचना कि थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिले, ये हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए हो या गिरावट का बहुत ज़्यादा माहौल है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हमारे साथ दो जानकार जुड़ चुके हैं, रत्नेश गोयल और रवि सिंह भी जुड़ चुके हैं। रत्नेश, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे, क्या ऐसा लग रहा है जैसा कि मैंने बताया कि बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट जैसा तो नहीं दिख रहा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी है और आपको लगता है कि 17,700 का एक हर्डल अभी शॉर्ट टर्म में बाजार में देखने को मिलेगा और थोड़ा मुनाफा वसूली और देखने को मिल सकती है? गुड इवनिंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्ते। सबसे पहले देखिए मनीष जी, तो सबसे पहले आप देखेंगे चार्ट का 9 से 10 दिन के कंटिन्यू हमको तेजी देखने को मिली है और निफ्टी फ्यूचर में जो हमको लास्ट टाइम जो मैं आपके साथ में था, मैंने आपको बोला था कि हमको एक यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला था। अब ये बात करें यहाँ पे रुकना थोड़ा सा वाजिब है क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज भी डेली चार्ट पे आता है। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो 17,800 मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, बाजार को इसके ऊपर निकलने में जरूर थोड़ी सी कसर कम रहेगी और उसके ऊपर निकलने के पहले एक थोड़ा सा हमको यहाँ पे टाइम वाइज कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छी बात है आगे नई तेजी के लिए। और नीचे के लेवल देखे तो 17,600-17,500 ये काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे जाने के बाजार में कहीं हमको इससे ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे बिल्कुल कायम रहना चाहिए। एक बार जो अगर हम ऑप्शन डाटा देखें तो 17,800-18,000 पे कॉल राइटर बना हुआ है और 17,600-17,500 पुट राइटर बना हुआ, तो जिसे मैंने कहा बाजार इस रेंज में थोड़ा सा ब्रेंड में काम करेगा विद द स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जरूर बना रहेगा। जैसे आपने कहा कि स्टॉक छोटे मंजूले शेयर में मिड कैप में इसमें मोमेंटम बना रहेगा तो उसमें हमको ध्यान देना चाहिए और इंडेक्स में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को हमको मिल सकता है। पर बैंकिंग हम देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। बैंकिंग के आज भी आप देखेंगे बैंकिंग इंडेक्स में इतनी ज्यादा गिरावट हमको देखने को नहीं मिल रही थी, बैंकिंग इंडेक्स हमको यहाँ पे थोड़ी सी मजबूती प्रदान करते हुए दिख रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि 42,000-142,000 ये काफी एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। यहाँ से हमको वापिस इसमें खरीदारी देखने को मिलनी चाहिए और एक बार 42,600 के ऊपर बैंक निफ्टी फ्यूचर निकलता है तो हमको 43,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस रहेगा, निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा। ये मानते हुए कि निफ्टी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, 17,500 तक आ सकता है लेकिन बैंक निफ्टी में मजबूती देख रहे हैं, रवि क्या आप रत्नेश के साथ जाएंगे या आपका नजरिया थोड़ा अलग है? नहीं बिल्कुल, रत्नेश जी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है कि इस समय निफ्टी के लेवल थोड़े से यहाँ पर जो है वो कंसोलिडेटेड मोड में ही देखने को मिल रहे हैं, अपर साइड का कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे और लोअर साइड पे बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है कि आप लोअर्स लेवल देख पाए, लेकिन हाँ जरूर है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पर रहेगी और बैंक निफ्टी यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी सीधे तौर पर दोनों जानकारियां मानते हुए कि यहाँ से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा और लगातार दो दिनों से ये दिखा भी रहा है बैंक निफ्टी कि भले ही निफ्टी में गिरावट का ट्रेंड हो बैंक निफ्टी में मजबूती लगातार देखने को मिल रही है। फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। समर जी ने सवाल भेजा है कोलकाता से, पीरामल इंटरप्राइजेस के बारे में वो जानना चाहते हैं, 50 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 731 रुपये के भाव पर, वो जानना चाहते हैं कि शेयर को होल्ड कर या निकल जाए। रत्नेश जी क्या राय होगी पीरामल इंटरप्राइजेस पे? पीरामल इंटरप्राइजेस का चार्ट देखें तो कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन भी बना हुआ, सभी की एवरेजेस के नीचे अपने ट्रेड कर रहा है। एक जरूर आज के सत्र में हमको थोड़ा सा वॉल्यूम देखने को मिला था, इनका खरीदी भाव आपने 730 रुपये बोला तो ज्यादा ऊंचे का खरीदी भाव नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार ये 750-760 तक आता वहां पे निकल जाए एक स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह दूंगा मैं इनको 705 रुपये की। पीरामल इंटरप्राइज होल्ड करने की सलाह, 705 रुपये का स्टॉपस लगाकर चल सकते। संकल्प जी ने सवाल भेजा गौतम बुद्ध नगर से, बीएमएल के पास एक शेयर उनके पास है, 70 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 1,027 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। रवि क्या राय होगी बीएमएल पे?
देखिए ओवरऑल तो ये स्टॉक काफी अच्छा है, और चूंकि अगर देखा जाए तो इस समय भी इनको जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट को बढ़ने देना चाहिए। एक बार आप साइड टारगेट देखते हैं तो 1270 से 1275 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छी है, खासतौर से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से अच्छा है, तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। तो सीधे तौर पर होल्ड करने की सलाह बीएमएल पे। योगिता जी ने सवाल भेजा है, एम्फेसिस के बारे में जानना चाहते हैं। 44 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 2312 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं क्या करें शेयर में। रत्नेश क्या रहा होगी एम्फेसिस पे? देखिए तो कंटिन्यू अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है और एम्फेसिस भी उसी सेक्टर का एक हिस्सा है, उसी तरह से चल रहा है। ये भी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। इनका खरीदी भाव थोड़ा सा ऊंचा है 2300 रुपए, तो एक मेरे हिसाब से कहीं पे भी एक थोड़ा सा पुल बैक आता है 1800 रुपए तक, तो मेरे हिसाब से इसमें निकल जाए। यहाँ से पैसा कहीं दूसरे सेक्टर में या दूसरी इंडस्ट्री में लगाए जिससे थोड़ा सा जल्दी मुनाफा इनको बन सकता है और ये जो लॉस है उसका कवर हो सकता है। तो 1800 आसपास आए निकल जाए और स्टॉप लॉस लगाए 1700 रुपए का। तो सीधे तौर पे ये राय तो 1700 के स्टॉप लॉस का शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है तरुण जी ने भेजा है दिल्ली से, क्विस कॉर्प के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 346 रुपए के भाव पे। रवि क्या राय होगी क्विस कॉर्प पे? देखिए स्टॉक में अभी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और इनको अच्छा खासा मुनाफा भी आ रहा है, थोड़ा मुनाफा और बढ़ने देना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी एक बार को 395 और 390 के लक्ष्य अचीव कर सकता है, तो स्टॉप लॉस अगर डालना है तो एक पार्शियल स्टॉप लॉस 360 का क्लोजिंग डालना है, जिससे कि ऑलरेडी प्रॉफिट में रहेंगे। बट मुझे लगता है कि इनको और यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो इंतजार करें, थोड़ा सब्र करें, मार्केट में अच्छा मोमेंटम गेन हो रहा है। होल्ड करने की सलाह। वैसे आप अपने प्रॉफिट को अगर कैप करना चाहते हो 360 रुपये का स्टॉपर्स लगा के इस शेयर में चल सकते हैं। और निवा चौधरी जी ने सवाल भेजा है कोलकाता से, जानना चाहते हैं स्टोप क्राफ्ट लिमिटेड के उनके पास पोर्टफोलियो में शेयर है, 20 शेयर उन्होंने लिया 642 रुपये के भाव पे। वो ये सीधे तौर पर उन्होंने सवाल में भेजा है कि लंबी अवधि के क्या क्या नज़रिया हो, लंबी अवधि में क्या शेयर का टारगेट देखने को मिल सकता है। रत्नेश क्या राय होगी स्टोप क्राफ्ट लिमिटेड पे? इन दर्शकों से पहले मैं हमेशा निवेदन करना चाहूंगा कि इतना बड़ा अपने लॉस तक नहीं बैठे, कभी ना कभी अपने टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो को जरूर रेटिनाओं के साथ रिव्यू करते रहे, तो इतना लॉस हम बच सकते हैं और इतना स्टॉप लॉस स्टॉक्स में जरूर लगा। स्टॉक क्राफ का चार्ट देखिए, आप कंटिन्यू लो फॉर्मेशन पे है, इसने किसी भी तरह की तेजी का साथ में परफॉर्मेंस नहीं करा है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। मेरे हिसाब से इसमें निकल जाए और इस पैसे को कहीं ना कहीं दूसरी जगह निवेश करें, तो वहां से नुकसान की भरपाई हो सकती है, यहाँ से निकलने की सलाह रहेगी। तरुणवा आपके लिए राय आते हुए कि शेयर से आप निकल जाओ और गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे भी इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। थोड़ी देर में वीआईपी स्टॉक्स में हमारे जानकार कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको बताएंगे जो निवेश के लिहाज से बेहतर है, लंबी अवधि में 12 से 15 महीने में उसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो उन शेयर में आप निवेश करके चल सकते हैं। गुरशेर सिंह ने जालंधर से सवाल भेजा है, बंधन बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 154 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 228 रुपये के भाव पे। बंधन बैंक पे क्या राय होगी रवि आपकी? देखिए बंधन बैंक काफी कंसोलिडेटेड मूव दिखा रहा है और पूरे बैंकिंग सेक्टर को अगर कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है शायद उतनी परफॉर्मेंस इससे एक्सपेक्ट की जा रही है उतनी निकल नहीं रही है। तो मैं इनको राय दूंगा, स्टॉक अच्छा जरूर है लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा, तो आप इससे ट्रेन बदलिए। आप इसकी जगह बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि 178 और 80 के पास है, आप उसकी ट्रेन की सवारी करिए। मैं समझता हूँ वो आपको जल्द ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सकता है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन चेंज करके उस पर जाना चाहिए। लक्ष्य की बात करें तो 220 और 230 के लक्ष्य आपको बैंक ऑफ बड़ौदा दे सकता है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर स्विच करने में ज्यादा समझदारी। तो गुरशेर सिंह जी आपके लिए राय यही है कि बंधन बैंक से निकल जाइए और बैंक ऑफ बड़ौदा में स्विच कर लीजिए, वहाँ एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, 220 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में स्विच करने की सलाह दे रहे हैं रवि। अनुराग जी ने सहारनपुर से सवाल भेजा, आरबीएल के बारे में जानना चाहते हैं। 1750 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 46.50 रुपये के भाव पे। रत्नेश हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद वापस से शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और पिछले दिनों का हाई के आसपास वापस से शेयर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। रेलवे फ्रंट पे अच्छी खबरें भी आ रही है, जिस तरह से हमने देखा है कि कमाई रेलवे की बड़ी है। क्या लगता है शेयर को होल्ड करना चाहिए? इनको अभी करीब 50,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। आरबीएल का ओवरऑल चार्ट देखे, लंबे अवधि का चार्ट देखे तो इसमें एक तेजी के बाद में छोटा सा करेक्शन हुआ था और उस करेक्शन में वापस से हमको खरीदारी अच्छे वॉल्यूम के साथ देखने को मिली है। सभी एवरेजेस से अपने ऊपर है और इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आते हुए दिख रहा है हमको, और हाल ही में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इनको ऑर्डर्स की भी न्यूज आने को देख रही है, उनके खरीदार भाव काफी नीचे का है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि एक स्टॉप लॉस लगाए 65 रुपए का और इस मोमेंटम को राइड करें
ऊपर में भी पहला टारगेट इनके लिए रहेगा 85 रुपीज का, वहां से निकलता है तो फिर ये 100 रुपीज तक लिए भी जा सकता है, इसलिए मैं प्रॉफिट का स्टॉप लॉस इनको लगाने की सलाह दूंगा और इस मोमेंटम को राइड कर। तो सीधे तौर पे इसमें 165 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है, मोमेंटम को जाने दीजिए जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर शेयर में तेजी देखने को लिए। पहला टारगेट जो देख कर चल रहे हैं रवि रत्नेश, उनको लगता है 85 रुपये तक दिखता हुआ दिखेगा, उसके बाद ये शेयर जो है 100 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें आप लगा के चलिए। विकास कुमार जी ने डाल्टनगंज से सवाल भेजा है इन्फोसिस के बारे में, 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 1330 रुपये के भाव पर अगले 3 महीने के लिए क्या करें, एक सवाल ये है। हेमंत जी ने भी सूरत से सवाल भेजा है, इन्फोसिस के 150 शेयर इनके पास है 1157 रुपये के भाव पे, ये अगले एक साल के नज़रिए किससे जानना चाहते हैं। मैं दोनों जानकारों से जानने की कोशिश करूंगा, पहले रवि आप बताइए इन्फोसिस पे क्या राय होगी, एक दर्शक के पास 1330 के भाव पे है, दूसरे दर्शक के पास 1157 रुपये के भाव पे है। देखिए मुझे लगता है कि जो 10% की गिरावट आई इंफोसिस में उसने काफी हद तक लोगों को यहाँ पर पैनिक कर दिया। मनीष जी ओवरऑल जो अभी सिचुएशन बन रही है उस पर थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 1150 तक के लेवल आपको जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आपका निवेश एक साल से ऊपर का है, 8 महीने से भी ऊपर का है, तो मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पर अंडरलाइन जो एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से गिरावट जरूर आई, लेकिन अच्छी बात है कि अदर आईटी स्टॉक्स में वो बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, तो इसका मतलब है कि ये प्योर परफॉर्मेंस बेस्ड जो है उसका हिट है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका 8 महीने से ऊपर का व्यू है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। रही बात एवरेज करने की, थोड़ी और खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, आपको 1150 का लेवल अगर आता है तो ही खरीदारी करें, नहीं तो प्रॉफिट को रन होने दें, और लंबी दौड़ में अगर देखते हैं तो ये रेस वापस जीतता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टेम्परेरी अभी 1-2 क्वार्टर में प्रेशर जरूर रह सकता है। तो ये राय तो रत्नेश जी आपकी क्या राय होगी इन्फोसिस पे? नहीं बिल्कुल रवि जी के बात से सहमत करूँ मैं कि थोड़ा सा अगर टाइमिंग पीरियड इनका यहाँ पे होल्डिंग के लिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इन्फोसिस में अभी थोड़ा सा जो पेन है वो कंटिन्यू रह सकता है, तो मेरी भी सलाह ये रहेगी कि थोड़ा सा भी अपने निवेश के नजरियों को थोड़ा सा बड़ा बनाए, वो 1150-1120 के आसपास आता है तो वहां पे जरूर थोड़ा बहुत एवरेज करें। ऊपर में कहीं पे भी शॉर्ट टर्म में इनको कहीं पे भी एक अगर रैली के साथ में 1350-1380 आ जाता है तो वहां पे जरूर एक मुनाफा बांधे, ये मेरी सलाह रहेगी। तो विकास कुमार जी, हेमंत जी, पहले तो आप प्रॉफिट में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1150 के आसपास और आप खरीदारी कर सकते हैं। विकास कुमार जी, आपने नज़रिया जो 3 महीने रखा है इसको बढ़ा के आप एक साल के लिए कर लिए, जो हमारे जानकार कह रहे हैं 8 महीने से लेकर 12 महीने का नज़रिया रखिए, और 1150 के आसपास अगर वापस से आता है शेयर, गिरावट आती है थोड़ी सी, तो और आप खरीदारी करके शेयर को एवरेज कर सकते हैं। फिर अगर आप इसको 8 महीने से लेकर 12 महीने तक होल्ड करते हैं तो शेयर में आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। ऋषभ खेतानी जी ने देवरिया से सवाल भेजा है, जेके सीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, 29 शेयर के पोर्टफोलियो में है 2132 रुपये के भाव पे, एक साल के नजरिए से जानना चाहते हैं। रत्नेश जी क्या राय होगी जेके सीमेंट पे? जेके सीमेंट और ओवरऑल सीमेंट देखे तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोनों सीमेंट सीमेंट सेक्टर। जेके सीमेंट भी इसमें एक कंसोलिडेशन फेस में है, अपने की एवरेजेस से ऊपर ट्रेड करा, डेली वीकली चार्ट पे भी हम लगाए उसमें भी सभी एवरेजेस से ऊपर ट्रेड करा, साथ में डाइवर्जेंस भी इसमें हमको देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको देखने को मिली थी, तो मैं इनको सलाह दूंगा अभी थोड़ा सा होल्ड करें, 2800 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट जो आते हैं पहला टारगेट जो मीडियम टर्म में देखने को मिलेगा वो 3200 रुपये तक का देखने को मिल सकता है। सीधे तौर पर जेके सीमेंट पर आए होते हैं कि आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। अनिल कुमार जैन जी ने जयपुर से सवाल भेजा है, जी एंटरटेनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, 130 शेयर के पोर्टफोलियो में 333 रुपये के भाव पे, रवि क्या राय होगी जी एंटरटेनमेंट पे आपकी? देखिए मीडिया स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है, और जी एंटरटेनमेंट जब भी 200 के ऊपर होता है या 220 के आसपास होता है तो बड़ी गिरावट के संकेत यहाँ पर देने लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो इसके हालात है उसमें थोड़ा सा गिरावट बढ़ सकती, एक बार एग्जिट करने की राय होगी, दूसरे किसी शेयर की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस स्टॉक से एक बार दूरी बनानी चाहिए। अनिल जी आपके लिए तो राय यही आते हुए रवि की तरफ से कि आप शेयर से एक बार के लिए निकल जाइए, हो सकता है थोड़ी और गिरावट देखने को मिले। पिंटी बोस ने सवाल भेजा है कोलकाता से, टाटा केमिकल के बारे में जानना चाहते हैं, 5 शेयर के पोर्टफोलियो में है 961 रुपये के भाव पे, पिंटू बोस ने 2 साल का नज़रिया रखा, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा लंबी अवधि का नज़रिया लेकर ये चल रहे हैं, क्या राय होगी टाटा केमिकल पर? रत्नेश, एक ऐसा शेयर जिसने लगातार और परफॉर्म किया है बाजार को। बिल्कुल, पर आज किसी न्यूज के कारण जाता मुझे ध्यान आ रहा है इसमें 16 इसके न्यूज आई थी, इस कारण से इसमें थोड़ी सी आज हमको गिरावट देखने को मिली, गिरावट थोड़ी सी वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ हमको देखने को मिली, हालांकि इनका नजरिया थोड़ा बड़ा है
इसलिए इसमें अभी मुझे नहीं लगता किसी तरह की अभी इसमें इनको घबराने की बात है। एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, जो स्टॉप लॉस इनका आएगा यहाँ पे 850 रुपए का आएगा, जब तक ये उसके ऊपर ट्रेड करा। इसमें किसी भी तरह का ट्रेंड रिवर्सल अभी चार्ट पे नहीं बनता है। ऊपर में एक बार इसको 1050 के ऊपर निकलने में नई तेजी हमको देखने को मिलेगी, जो 1120 तक लेके जा सकती। तो मेरे मेरे हिसाब से अभी 850 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करें। तो सीधे तौर पर टाटा केमिकल जो है होल्ड करने की सलाह। वैसे भी आज खबर जब आई कि कंपनी ने सोडा ऐश की कीमतें बढ़ाई हैं 2 से लेकर 5% तक, उसी का असर देखने को मिला कि शेयर में दबाव देखने को मिला, लेकिन आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। ऋषि कपूर ने गया से सवाल भेजा है, वे DFL के बारे में जानना चाहते हैं, 50 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है 380 रुपये के भाव पर, वो जानना चाहते हैं शेयर में क्या करे DLF। इनफैक्ट DLF पे क्या राय होगी आपकी रवि? देखिए मनीष जी, इस समय रियलिटी स्टॉक्स थोड़े से चमकते हुए नजर आए, उसका रीजन रहा कि सेल्स काफी अच्छी थी, लेकिन आगे इंटरेस्ट रेट थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें 430 और 435 के बीच आसपास जब लेवल्स आते हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, और अगर नजरिया लंबा है तो थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़े करेक्शन पे बाय करें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल 435 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा, वहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और थैंक यू बोलिए ईटी स्वदेश को। निजी तौर पर ये रहा है तो वैसे भी हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में खासतौर पे आप देखिए कि रियल्टी स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, और जब से RBI की तरफ से ब्याज दरों में थोड़ी राहत दी गई है, पॉज लगाया गया है, उसका असर कहीं ना कहीं रियल्टी स्टॉक्स पे एक अच्छी मजबूती के तौर पर देखने को मिला, और एक अच्छी मजबूती का रुझान पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर हमने चर्चा की है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रिगर्स की जिसका असर कल भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी। इनफैक्ट नतीजों का सीजन हम देख रहे हैं, कई सारे नतीजे हैं, उसका भी असर देखने को मिला। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम इम्पॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो US और की तरफ से हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज रिपोर्ट होंगे, UK और यूरोजोन अपना CPI डेटा रिलीज करेंगे तो उस पर भी हमें नज़र ज़रूर बनाए रखनी होगी, और यूरोजोन की तरफ से हम देखेंगे कि S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और कंपोजिट PMI रिलेटेड डेटा भी कल आएगा। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली एक ग्लोबल कंपनी अपने नंबर्स पेश करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर है। डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम देखें तो काफ़ी सारे दिग्गज भारतीय स्टॉक्स है, कंपनीज है जो कल अपने नंबर्स पेश करेंगे, उसमें मैस्टेक, ICICI सिक्योरिटीज़ और टाटा कम्युनिकेशंस शामिल है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन और भी हो रहा है, BEML लैंड एसेट्स कल फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी की कल लिस्टिंग होने जा रही है और ये T2T सेगमेंट में लिस्ट होंगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए, तो एप्पल के CEO टिम कुक PM नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं 19 अप्रैल को। इसी के साथ 2 लॉन्चेस होने जा रहे हैं ऑटो स्पेस में, उस पर नज़र घुमा लेते हैं। MG कॉमेट EV लॉन्च होने जा रही है इंडिया में कल, और उसी के साथ हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स भी अपने CNG वर्जन अल्ट्रोस को लॉन्च करने वाले हैं 19 अप्रैल को। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये कल के कुछ बड़े इवेंट्स हैं जिस पे नज़र रखनी चाहिए, और इसका असर कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों पे देखने को मिल सकता है, कई सारे स्टॉक्स पे भी देखने को मिलेगा। वामाक्षी शुक्रिया तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए, लेकिन अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट VIP स्टॉक्स की। रवि, VIP स्टॉक्स कौन से ऐसे शेयर हैं आपकी नज़र में जिसमें कि आपको लगता है कि निवेश करने से अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए, 2 स्टॉक्स हैं जिनमें कि इस समय मोमेंटम भी है और खास तौर से मार्केट में अगर थोड़ा करेक्शन भी आता तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहला है ग्रेनवेल्स इंडिया, इस समय 300 रुपए का ये स्टॉक है और कांस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है, 7,300 करोड़ का मार्केट कैप है, 14 KPE पे स्टॉक है, और ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रक्चर काफी अच्छा यहाँ पर बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको इसको अपनी बास्केट में शामिल करना चाहिए और 330 से 335 के लक्ष्य आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक यहाँ पर काफी बेहतर है। दूसरा स्टॉक है बाटा इंडिया, इसका अगर आप हाई देखते हैं 52 वीक का तो 2004 का, लो 1380 का, और इस समय 18,300 के मार्केट कैप पे चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर एक साल में परफॉर्मेंस पुअर रही, लेकिन अब जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की स्टेबिलिटी है वो स्टेबल हुई है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पे ये भी एक अच्छा स्टॉक यहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकता है, और खास तौर से जो आने वाले 2 से 3 दिन का मोमेंटम, चूंकि आप कल की भी तैयारी करवाते हैं तो उनमें ये फिट बैठता है, तो मुझे लगता है ये 2 स्टॉक जो लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और जो छोटा मोटा मुनाफा लेके निकलना चाहते हैं इंट्राडे में, उनके लिए ये कल स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है।
तो दोनों स्टॉक्स दोनों नजरियों से बताते हुए तो अच्छी बात यह है कि रवि ने दोनों शेयर में टारगेट और स्टॉपस बता दिया है, दोनों में खरीदारी करके चल सकते हैं। जो शेयर आपको पसंद हो, बाटा इंडिया 1600 का टारगेट होगा, 1390 का स्टॉप लॉस होगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया खरीदारी करने के सलाह 335 का टारगेट होगा, 285 रुपये का स्टॉप लॉस देखने को। ग्रेन्यूल्स में आज हमने देखा 2% की मजबूती देखने को मिली थी। रत्नेश, आपकी तरफ से कौन से VIP शेयर होंगे? मेरी तरफ से पहला बेल रहेगा। बेल में मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन पूरा हो गया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। आज के सत्र में एक अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 72.50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के नियर टर्म में हमको 79 रुपीज का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक दूसरा स्टॉक रहेगा डॉक्टर रेड्डी। ये फार्मा सेक्टर में काफी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका एक राउंडिंग फॉर्मेशन बहुत अच्छा डेली चार्ट पे इवन वीकली चार्ट पे बना था। मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रेकआउट हुआ काफी अच्छा वॉल्यूम सपोर्ट से हुआ। डॉक्टर रेड्डी में मीडियम टर्म थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी खरीदारी करना चाहिए। 4880 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4970 का टारगेट रहेगा। तीसरा एक और रहेगा नवीन फ्लोरो। लास्ट टाइम भी जब मैं आपके शो में था तभी मैं इसको बोल के गया था, आज फिर बोल रहा हूँ। इसमें बॉटम ऐसा लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, इसमें भी एक राउंडिंग फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। डेली वीकली चार्ट पे आप लगाएंगे तो काफी अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी भी दिखेगी। इसमें 4540 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और मीडियम टर्म में 4740 का टारगेट है। तो ये स्टॉक्स रत्नेश की तरफ से जहाँ में खरीदारी करने सलाह, नवीन फोलिन में खरीदारी के लिए 4740 का टारगेट होगा, 4540 रुपये का आपको स्टॉपस लगाना है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज उनको पसंद है, वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। इसका BHL उनको पसंद आ रहा है, 79 रुपीज़ का आपको टारगेट रखना है, 72.50 रुपये का स्टॉपस लगाना। आज हमने देखा था BHL में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी, तो ये पिक्स आते हुए डॉक्टर रेड्डीज लैब में खरीदारी कीजिए, 4970 रुपये का टारगेट रखना है, 4880 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना। आज हमने देखा था तमाम फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी देखने को मिली थी। रत्नेश और रवि, इटनॉ स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया। कई सारे स्टॉक्स पर आपसे चर्चा की, आज के लिए इतना ही। कल की तैयारी में मुझे भी दीजिए याद। नमस्कार।